राष्ट्र बनता है जन भूमि और संस्कृति के संगात से। भूमि चाहिए, उस भूमि को मातृवत समझने वाले, उसको माता कहने वाले, उस दृष्टि से सोचने वाले, व्यवहार करने वाले, पुत्र रूपी समाज यानी जन, और इनके कारण जो विकसित हुई संस्कृति है, जीवन मूल्य है, इन तीनों के कारण राष्ट्र बनते हैं। एक दृष्टि से इसमें दो, भूमि और जन, ये दोनों लोक इस शब्द से समान रूपी है। तो इसलिए एक सुदीर्घ परंपरा हमारे देश में लोक के कारण राष्ट्र, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मैंने उल्लेख किया, इस लोक के अतीत वर्तमान और भविष्यत के सम्मिलित रूप के कारण राष्ट्र के चैतन्य स्वरूप है। राष्ट्र संविधान से नहीं बनता, कानून से नहीं बनता, सेना से नहीं बनता, मुद्रा से नहीं बनते, संप्रभुता से नहीं बनता, शासन से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के कारण। ये सब रहेंगे तो बाकी सब संविधान, कानून, नियम, सेना, मुद्रा वगैरह 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 संभव है। भूमि पर जन न रहते हुए भी एक भूमि पर विश्व में कई जगहों पर बिखरे हुए, फिर भी वह राष्ट्र इज़राइल 2000 वर्षों तक जीवित रहा। यहूदी लोग इज़राइल के अपनी मातृभूमि पर नहीं रहे, उनके वह राष्ट्र जो है वह उनके मस्तिष्क में, चेतना में, उनके परंपरा में, उनके बोलचाल में, हर पीढ़ी को उन्होंने ट्रांसमिट किए हुए भावनाओं के तरंगों के कारण राष्ट्र जिंदा रहा।